अब चला जाए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, और वहां पे हमारी सहयोगी कंचन इस समय NSE के MD और CEO आशीष चौहान साहब के साथ मौजूद। कंचन, ओवर टू यू। कंचन, आवाज आ रही है? यहाँ का माहौल जो है वो काफी ज्यादा शानदार है। दिवाली की जो वाइब है वो हर किसी के चेहरों पे साफ दिख रही है। एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है। तो चलिए बात करते हैं सर, फर्स्ट ऑफ ऑल दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और एक और चीज, कल से गुजरातियों का एक नया साल शुरू होने वाला है, उसके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आवाज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और NSE की तरफ से दिवाली की शुभेच्छा, और आने वाला संवत और भी बेहतरीन हो ऐसी प्रभु से प्रार्थना। जी सर, इस साल हमने देखा कि बाजार ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई है, अगले संवत तक हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाजार किस नई ऊंचाई तक पहुंच सकता है? एक तरह से देखें तो पिछले संवत में निफ्टी 50 इंडेक्स ने करीब 25% का रिटर्न दिया, जबकि पिछला एक महीना उतना अच्छा नहीं रहा। और जो NSE 500 इंडेक्स है उसने करीब 30% का रिटर्न दिया है। तो मुझे लग रहा है कि पिछला संवत था बहुत अच्छा रहा, अगला संवत और भी बेहतर हो सकता है। जो अमेरिका में एक तरह से असमंजस की परिस्थिति बनी हुई है, जो कांटे की टक्कर है पॉलिटिक्स में, उसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि हो सकता है कि वहां पर भी जो इंटरेस्ट रेट कम होने वाले थे उसकी वजह बढ़ रहे हैं। तो उसी वजह से जो FIIs ने पैसे वापस निकाले हैं पिछले एक महीने में, तो उसी का एक ये संदेह है कि ये आगे जाके क्या होगा। और स्वाभाविक है कि जो वॉर की परिस्थिति बनी हुई है थोड़े देशों में, तो उसको भी कैसे निराकरण होगा। लेकिन भारत की जो परिस्थिति है उसके आप नजर रखते हो तो एक तरह से विश्व में कहीं इतना ग्रोथ आज देखने नहीं मिल रहा है। और उसके बावजूद जो पिछला एक क्वार्टर रहा Q2, उसमें बारिश के चलते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर काम में थोड़ी एक घट हुई थी। अगले दो क्वार्टर में मुझे लग रहा है वो घट को पूरी करते हैं। तो जो 30% पे आज डेफिसिट चल रहा है सरकार का, इसका मतलब है कि 70% उनको ये 6 महीने में खर्चा करना है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो वो जो करते हैं तो मुझे लग रहा है कि जो RBI एक्सपेक्ट कर रहा है ग्रोथ रेट, उससे भी बेहतर ग्रोथ रेट अगले 6 महीने में आपको देखने मिलेगा। जी, तो ये तो बात हुई ओवरऑल मार्केट की। इस टाइम पे अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच देखें तो आने वाले टाइम में हमें कौन सा सेक्टर है जहाँ पे एक अच्छा खासा बूम देखने को मिल सकता है? भारत में आपने देखा होगा पिछले 30 सालों से एक तरह से सर्विसेज के एरिया में भारत ने एक दबदबा बनाया हुआ है, और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग भी एक तरह से भारत में आ रहा है। आपने देखा होगा आईफोन का भी एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ चुका है और आगे जाके भी बढ़ेगा। और उसी तरह से जो फार्मास्यूटिकल्स वगैरह भी काफी अच्छा करेंगे, क्योंकि भारत का उसका जो भारत बाहरी चीजों को देख करके हम देखते हैं। ओके, तो चलिए, ये है NSE के MD और CEO आशीष चौहान साहब। तो दोनों जगहों का फेस्टिव फर्वर आपको दिखा दिया हमने, दोनों एक्सचेंजेस BSE NSE, जहां पे इस समय मुहूर्त सेशन अंडरवे। 2 मिनट का बचा है। मानस, ONGC अच्छे मूव्स दिखा रहा है, आपने बहुत ब्यूटीफुली राइड करा रखा है ONGC का स्टॉक, कैसा प्लेस नजर आता है? अब सारा डिपेंडेंट है क्रूड पे, और एक चीज है, US इलेक्शंस तक कहा जा रहा था क्रूड सबड्यूड है, हो सकता है ये बात सही है कि US इलेक्शंस के बाद क्रूड अपनी चाल बदल दे। चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? देखिए, चार्ट पे अब ऐसा लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, क्योंकि स्टॉक अब हाई टॉप हायर बॉटम इंट्राडे चार्ट पे बना रहा है, 10-day moving average के ऊपर निकला है। मेरे ख्याल से 280 या 282 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो अगर ट्रेडिंग कॉल लेना होगा तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे और 268 का स्टॉप लॉस है। भोपाल में फेस्टिव मूड कैसा है? शॉपिंग वॉपिंग गए थे, भीड़ बहुत थी क्या? जी, भीड़ तो थी, बहुत ही थी, और दिन में निपटा लेना ज्यादा बेटर था, शाम को ना कहीं पार्किंग मिलती थी ना हर जगह, मतलब रश बहुत था। मेरे लिए क्या लिया? वो आपको तब पता चलेगा जब आप आएंगे विजिट पे, माया नहीं ना, चीटिंग करते हैं हर बार। मयूरेश, आज पूजा हुई कल कर ली? नहीं, अभी करनी है सर, 10 मिनट में। ओ अच्छा, तो आप पहन गए हुए हो क्या? नहीं, मैं इधर ही विले पार्ले में ही हूँ। चलिए भाई, आप तीनों का जुड़ने के लिए पूरा ये मुहूर्त सेशन
हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच. आप सबको हैप्पी दीपावली. अब मंडे को होगी आप लोगों से मुलाकात. मार्केट्स ठीक है या जनरली ऐसे ही होता है मुहूर्त के सेशन के दिन बढ़िया तेजी के साथ शुरुआत, थोड़े से इनिशियल गेन्स, फिर हम ठंडा पड़ता है ऊपर से गिव अवे करते हैं. आज एक समय मेरे ख्याल से 165 अंक तक की मजबूती मैंने निफ्टी पे देखी थी. वो 165 अंक वाला करीब 90 पिच बुरा नहीं रहा, क्योंकि आज वैसे आमतौर पे कई बार मुहूर्त सेशन में इन रेट स्लिप हो जाते हैं. आज ग्लोबल मूड माहौल बिगड़ा हुआ था, जो हैंडओवर हमें मिला था उस लिहाज से सेशन बढ़िया रहा. 1/3% से ज़्यादा की मजबूती 24,300 पर, प्रोविजनल क्लोज आपकी स्क्रीन्स पे, और ब्रॉडर मार्केट्स में आउट परफॉर्मेंस. मिड कैप्स 2/3% उछाल. ब्रेड शुरुआती जो थी वैसी रोबस्ट नहीं रही, लेकिन 5:1 का रेशियो, एक गिरने वाले के सामने 5 स्टॉक ऐसे थे जो बढ़त के साथ मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे. एक्सपर्ट्स, अच्छा सेक्टोरल जो रुझान है वो आपकी स्क्रीन्स पर आ जाएगा. सिर्फ एक आईटी फ्लैट, बाकी हर सेक्टोरल पॉकेट इन ग्रीन बन करने होने में कामयाब. और आईटी फ्लैट भी बुरा नहीं है, क्योंकि यूएस में नैसडैक में अच्छा खासा दबाव था, उनके यहाँ कुछ आईटी कंपनीज, सॉरी टेक्नोलॉजी कंपनीज के नंबर्स गड़बड़ाए थे, तो एक रब ऑफ के तौर पर यहाँ पे देख लीजिए आप. पस्त है, बाकी हर सेक्टोरल पॉकेट मजबूत. और शायद इस मुहूर्त सेशन के दौरान इतने प्रोमिनेंट एक्सपर्ट्स और बहुत ब्यूटीफुली आपको नेविगेट कर दिया है, बता दिया है कैसे नए संवत 2081 की हमें तैयारी करनी है, किस तरह के स्टॉक्स हमें रडार पे रखने हैं. इस नोट पर आज की स्पेशल प्रोग्रामिंग को समेटा जाए. CNBC आवास पे न्यूज कवरेज शो के बाद भी कंटिन्यू करेगा, आप ग्लूड रहें. और अपनी मुलाकात होगी अब मंडे 6:57 पर सुबह मॉर्निंग कॉल में. नमस्कार और फेस्टिव ग्रीटिंग्स आप सबको.